आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, और हमने ये फिश ली हुई है, कम से कम 1.5 kg है, और इसे हमने वॉश करके साफ करके पीसेस में रख लिया है, ठीक है। और अब देखेंगे कि हम इसे बनाएंगे कैसे। बनाने की ही सबसे बड़ी आर्ट होती है। इस फिश के बारे में मैं एक बात बता दूं, इस फिश को हम सौर कहते हैं, और ये सौर की खासियत होती है कि इसे आप जब किचन में पकाएंगे तो फ्राई करते टाइम इसको अच्छे से कसिए, फ्राई कीजिए अच्छे से मसाले के साथ, तो इसमें जो बोन्स होती है ना, साइड बोन्स, वो मेल्ट हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है। ये लेकिन होता छोटी फिश के साथ है, तो आप सावधानी पूर्वक इसे पकाइए। देखते हैं कैसे बनाते हैं फिश करी। हमने कुछ प्याज लिया हुआ है, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। प्याज में हमने मसाला बना लिया है, जिसमें हमने प्याज, लहसुन और कुछ सादा मसाले जो हमें डालने होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको अपना बनाना होगा। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, और ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम मसाला छोड़ेंगे। चलिए ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, प्याज और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे तेल में। और हमने तेल यूज किया है मस्टर्ड ऑयल, और ये लोहे की कढ़ाई है, आयरन पैन है, और इस पैन में हमने इसको बनाना है। फिश को एक खास बात ध्यान रखिए, फिश बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपने मसाले में जरूर मिलाई, इससे आपकी फिश की जो स्मेल है वो चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं फिश के बारे में, अगर आपको नहीं पता हो, फिश बनाने से पहले आपको दो चीजें और कर लेनी चाहिए कि फिश को अच्छे से वॉश कर ले। देखिए आप कितना गोल्डन पीस एक तरफ से साफ साफ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसे अच्छे से वॉश करें साफ पानी में, और आटे से वॉश करें, आटा जो होता है उससे वॉश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। गेहूं का आटा हो सकता है, बाजरे का आटा हो सकता है, मक्के का आटा हो सकता है, उससे वॉश करिए तो बहुत साफ होगा। ये देखिए हमारा मसाला इसमें पक के तैयार हो रहा है। अब हम इसमें रॉ मसाले डाल सकते हैं या फिर पिसे हुए मसाले डाल सकते हैं, वो चलिए डालेंगे। अब हम मसालों को मिलाएंगे। इसमें ये हल्दी है, 1.5 kg के लिए 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हल्दी, जैसी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मिर्च भी, अपने स्पाइसी बनानी है तो ज़्यादा मिर्च डाल लीजिए, और नहीं बनानी है तो वैसे डालिए। ये है धनिया पाउडर, ठीक है। धनिया पाउडर को भी हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच 1.5 kg फिश में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और ये है हमारा गरम मसाला, गरम मसाला पिसा हुआ है, इसको भी हमने 1 से 1.5 चम्मच यूज़ किया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पाइस की रखना चाहते हैं फिश को या नॉर्मली। मेरे हिसाब से तो हम इसको बहुत हल्का नॉर्मली रखने वाले हैं। अगर मसाले सिल पर पीसे जाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और आपने अगर सूखे या रॉ मसाले पीसे हुए हैं तो इनको पहले एक कटोरी में पानी के साथ घोल करके कुछ देर के लिए रख लीजिए, ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। और जब आप इस मसाले को तेल में डालेंगे, गर्म तेल में, तो वो जलेंगे नहीं और वो अच्छी धीमी स्मेल छोड़ेंगे अपनी, और वो स्वाद की महक आपको पता लगेगा कि हमारे मसाले बन करके तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो मसालों को डायरेक्ट कभी भी फ्राई पैन में या तेल में मत डालिए, सूखे मसाले, इनको एक कटोरी में कहीं पर भिगो लीजिए, जैसे कि देखिए हमने किया हुआ है, और फिर वो धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उनको आप मसालों को सेक दीजिए या फ्राई करिए या उन्हें गर्म करिए। ये मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप इनको, मसालों को भिगो दिया है हमने, और फिश भी हमारी रेडी है। इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार अपने टेस्ट के लिए नमक डालेंगे। नमक अभी हम ऐड कर देंगे तो इससे मसालों का टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ मैच कर जाता है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। क्या है, कुछ लोग नमक बाद में डालते हैं, कुछ जरा सा डाल देते हैं ताकि बाद में भी मिलाया जा सके। नमक मिलाते टाइम आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नमक ही एक ऐसी चीज है जो बगैर कॉन्फिडेंस के डालेंगे तो आपकी सब्जी खराब कर देगा, इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। और ये तब आता है जब आप रेगुलर बनाते हैं। चलिए मसालों को हम इसमें मिक्स करते हैं और देखते हैं इसका कलर और वो तरीका कैसे बनता है। एक फिश या नॉन वेज बनाते टाइम एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि सब्जी में कलर नहीं आता। बहुत से लोग इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके और मसाले मिलाते हैं ताकि फिश का या नॉन वेज का यानी मटन का जो कलर है उनके अकॉर्डिंग रेड हो जाए। तो आपको इसका सिंपल सा तरीका बताते हैं। ये जैसे ये भून रहा है इससे मसाला, तो इसको भून के रखिए, इसी तरह भूनते रहिए 5 से 10 मिनट 20 मिनट। जब ये अच्छी आग पर ये जल जाएगा मसाला, अच्छे से भून जाएगा, तब आप इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए, देखिए ऐसे, ठीक है। और फिर इसे गर्म करिए कुछ देर के लिए, तो तेल जो होगा वो एक तरह से फ्लाई करके ऊपर आ जाएगा और मसाले भूनने लगेंगे, और जो मसाले होंगे वो तेल के साथ पानी में मिक्स होकर के कलर छोड़ेंगे, जो कलर आपकी जो रेसिपी है उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो कलर कैसे लाते हैं, वो यही तरीका है कि मसाले जब भून जाएं तेल में तो उसमें पानी की छोटी छोटी मात्रा, जैसे 2 चम्मच पानी डाल दिया, 3 चम्मच पानी डाल दिया,
और आपका जो तेल होगा वो ऊपर आ जाएगा, मसाले नीचे पकने लगेंगे पानी में, और वो पानी में मिक्स होकर के कलर छोड़ेंगे जो कि तेल में आ जाएगा। फिर वही जब सब्जी में आप मिक्स करेंगे, तो ये तेज पत्ते डाल दिए हमने, तो वो सब्जी में भी कलर छोड़ देगा फिर, ठीक है ना। तो आपको अलग से कोई भी कलर या किसी भी तरह की अदर इंग्रेडिएंट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके मसाले बहुत अच्छा कलर देंगे। तो यही हम करने वाले हैं, देख लीजिए। अब फिश करी का मसाला वाकई में तैयार हो चुका है, और आप देखिए करी मसाला जो है एकदम से रेडी है और अच्छे टेम्परेचर पर ये सिक रहा है। और इसको इस तरह से सिकने दीजिए, अभी इसमें फिश डालने की कोई जल्दी नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं आपकी रेसिपी टेस्टी, स्पाइसी और कलरफुल हो, तो ऐसा आपको करना चाहिए। अब इसमें हल्का सा हम पानी और डालेंगे, देखिए ये, जिससे कि ये ऑयल के साथ तो मिलेगा, तो ऑयल तो अलग हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो पानी मसालों में मिलेगा, वो पानी में मसाले जो है ना अपना कलर छोड़ेंगे, जिससे स्पाइसी तो बनेगा ही, साथ में हमारी जो रेसिपी है वो कलरफुल हो जाएगी। आप जो रेसिपी है उसका टेस्ट इस समय मसाले में से थोड़ा सा आप सैंपल ले लीजिए, और इस तरह से उंगली पर निकाल करके, वरना उंगली जल जाएगी, अलग निकाल करके आप इस तरह से, ठीक है ना, देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसे चक्कर के देख लीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी रेसिपी का टेस्ट कैसा रहने वाला है, उसमें कितने मसालों का आपने सही से इंग्रेडिएंट मिलाए हैं नहीं मिलाए हैं, तो आपको सही पता लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी रेसिपी का टेस्ट कैसा होने वाला है, कैसा बनने वाला है। ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने पानी मिलाया ताकि उसका कलर ऊपर आ जाए, और देख रहे हैं आप तेल ऊपर आ रहा है, मसालों का कलर अलग से बन रहा है, ठीक है ना। तो यही तरीका है फिश पकाने का और एक अच्छी रेसिपी बनाने का। अब आप देख सकते हैं कि मसाले ने अपना कलर कहाँ से कहाँ तक चेंज कर लिया है। करी मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसे मिलाने डाले हैं फिश को, ठीक है। फिश को आहिस्ता से मिलाइए, और ये खास सावधानी बरतिए कि जब फिश हम आप करी इसमें मिलाते हैं तो इसको ज़्यादा नहीं चलाते, मसालों में हम इसे मिक्स कर देंगे, हल्का सा पानी देंगे और फिर इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। फिश को पकने में ज़्यादा अब ये देख रहे हैं कि इस तरह से हमने फिश को मसालों से मिला दिया है, सारे मसाले फिश में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे, और इसे हम फिर गरम करेंगे ताकि एक तरह से फ्राई हो जाए। और आप इसे फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा आप मूवमेंट करेंगे तो ये अपना फ्लैश छोड़ देगी और आपकी फिश जो है ना एक तरह से अच्छे पीसीस में नहीं मिल पाएगी। ये सावधानी बरतिए आप, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी अच्छी रेसिपी आपकी बनने वाली है। फिश में अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और एक खास सावधानी आप बरतेंगे कि फिश को पकाते टाइम कभी भी फिश को ढकेंगे नहीं, ठीक है, पूरी तरह फिश नहीं ढकते हैं। और ये हमने देखिए मेज़र करके 1.5 किलो फिश के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए फिश को हमेशा खोल के बनाया जाता है, इसे कुकर में नहीं बनाते या किसी भगोने में नहीं बनाते हैं। अगर आप बनाएं तो खुली कढ़ाई में, और इसको इजीली इसी तरह से मिक्स करके आप इसको पकने दीजिए 10 से 20 मिनट में। फिश का जो फ्लैश होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वो आसानी से भाप में ही पक जाता है, तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको खुला हुआ पकाते हैं ताकि जो बाकी की जो गैसेज हैं वो रिलीज हो जाएँ और फिश का टेस्ट रह जाए। ये इतना हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें पानी रखा है ताकि रेसिपी का टेस्ट और फ्लेवर, देखिए आप मसालों का कलर अभी से इसमें दिख रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे पकेगा और ये इसका मसालों कलर मिक्स हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और अभी देखेंगे ये पक करके किस तरह से ठीक होता है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए से, और ये आप देखेंगे ये पक करके, अब ये पक करके तैयार है। और देखिए इसमें हमने जो कहा था कलर भी अच्छा आ गया है और स्पाइसी भी हो गई है, और ये अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।